आज बंधु मैंने आम जाना भाइराल हेपाटाइटिस विषय प्रथम जाना भाइराल हेपाटाइटिस कौन। भाइराल हेपाटाइटिस गोटे प्रकार लिभर इनफेक्शन जोटा कि आम विभिन्न प्रकार भाइरस लिभर को इनफेक्शन कले हुए। आमर बेसिकली भाइराल हेपाटाइटिस पांच प्रकार भाइरस थाए भाइराल हेपाटाइटिस ए हेपाटाइटिस बी हेपाटाइटिस सी हेपाटाइटिस डी आउ हेपाटाइटिस ई। एक्चुअली हेपाटाइटिस डीटा इंडिया हुए ना हेपाटाइटिस डी इंडिया मिले ना आम तेणु डिस्कसन करवा हेपाटाइटिस ए हेपाटाइटिस बी हेपाटाइटिस सी आउ हेपाटाइटिस ई उपरे। आमर हेपाटाइटिस ए आउ ई केमिति हुए यूजुअली हेपाटाइटिस ई आउ एटा फिको ओराल रू ट्रांसफ्यूजन रे हुए। तार मतलब है गोटे इनफेक्टेड मनिषर स्टूल जदि कौन पा कि खाद्य सहित मिशिथ्वेटा जब आप इंटेक् कले भाइराल हेपाटाइटिस ए कि ई हुए। तेणु आप देखिए जब कौन प्रकार कंटामिनेटेड पा पीं बाहर आप खाद्य खाऊ अनहाइजेनिक फुड खाऊँ यूजुअली बर्षा दिने जो थे कि आम टे इनफेक्शन रिस्क अधिक थोड़ा से ही टाइम भाइराल हेपाटाइटिस ए किंबा ई देखा जाए। और एगुड़ा एपिडेमिक हिसाब से हुए एपिडेमिक माने हला लार्ज स्केल रे बहुत जन को हम गोटे कम्युनिटी बहुत जन को एकाथर एफेक्ट कर। कौन हुए सिम्टम गुड़ा देखा ये कौन हुए कि सिम्टम गुड़ा प्रथम टे जर जर लगे देह हाथ पेन हे भोक लगे बांति देखेबापर परिसर हलदिया हे आखि हलदिया हे जोटा कि जंडिस से यूजुअली 99% केस्रे यूजुअली 99% केस्रे कौन हम जंडिस बढ़ किसी दिन तापर जंडिस गोटे मस भर कमिज और पेसेंट नर्माल हो किंतु गोटे परसेंट केस्रे बेले बेले लिवर फेल्यूर हो जाए जो कि लिवर कोमा हुए किंबा पेसेंट रो ब्लीडिंग टेंडेंसी देखा दे से भाई केस्रे हस्पिटालाइजेशन आवश्यकता थाए आउ से प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट दरकार हुए बेले बेले लिवर ट्रांसप्लांट दरकार हुए किंतु 99 मेजोरिटी ऑफ केस से सेल्फ रिजॉल्विंग किसी करियार आवश्यकता ना से टाइम आम कौन करें आम कि मिथ अच्छी भाइराल हेपाटाइटिस हेला बेलू जंडिस है आम पेसेंट को किसी आयुर्वेदिक चेरमूली दे कि आम चेरमूली सहित किसी प्रकार आम हल्दी पा दे कि अलग प्रकार ट्रीटमेंट कराओ जोटा कि बहुत अधिक लाभप्रद नुए कि बेले बेले हानिकारक हो पाए जो कि जंडिस बढ़ी पाए आपंकर तेणु से सब प्राक्ट को एवोड करूँ। आ खाद्यपेयर रेस्ट्रिक्शन आम बहुत करदेव लोकों को एक्चुअली भाइराल हेपाटाइटिस बेले लोकों को अधिक एनर्जी रिक्वायरमेंट थाए केवल से फैटी फुड टी टॉलरेट करते तेणु फैटी फुड टी एवोड करेंगे कितना अदरवाइज बाकी सब नॉर्मल खाद्य खाइबे आउ आपण स्पेसिफिकली टिके माने जमीती कि ग्लुकोज जातीय खाद्य जो थे अधिक कैलोरी अच्छे से इंटेक् कर अधिक मात्रा में हेपाटाइटिस ए आउ ए विषय में जाने आर ट्रीटमेंट विषय जानले एगुटा सेल्फ रिजल्विंग हेल्ले कौन स्पेसिफिक प्रकार ट्रीटमेंटर आवश्यकता ना। बर्तमान आम देखा हेपाटाइटिस बी आउ सी आम देखिए कंट्रास्ट देखिए हेपाटाइटिस ए आउ ई आम फिको ओराल ट्रांसमिशन हुए झाड़ू आउ खाद्य हुए किंतु हेपाटाइटिस बी आउ हेपाटाइटिस सी ये दुटा एक्चुअली है पेरेंट्रल भाइरस पेरेंट्रल मैंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन रोब जदि आप मानने मैंने आपंकर जदि टे हाई रिस्क सेक्सुआल बिहेवियर थी से ही भाई गुड़ा ट्रांसमिशन हुए मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन हुए जमीक मदर रूम रू बेबी पाक स्पेसिफिकली डेलीवरी टाइम ट्रांसमिशन हुए हेपाटाइटिस बी आउ सी आदि कौन लोक आई ड्रग् आब्यूज कर ड्रग् नौ आई वि रूट्रे कि इनफेक्टेड निडिल सीरीज कि इनफेक्टेड अर्गान ट्रांसप्लांट कि इनफेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन यही सब जिनस हुए। तो आम कौन करवा मानने सब इम्पोर्टाट जिनस कि से पेसेंट मैंने यही प्राक्ट को आम एवोड करा जमी कि हाई रिस्क सेक्सुआल बिहेवियर जब अच्छी तेल डेफिनेटली बेरियर कंट्रासेप्टिव यूज करा उचित आउ से जिनस गुड़ाक एवोड करवा उचित आउ आजिकल तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन बेलू आम बहुत मानने हाई जेनेसन टेस्ट आसला जो थे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो रिस्क बहुत कमी जाए। थर्ड जिनस है इनफेक्टेड निडिल प्रिक टू एवोड करवा जदि इनफेक्टेड निडिल प्रिक है तेल आम डाक्तर सहित परामर्श करके आम पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सीस ना यू जिनस कले आम से गुड़ाक प्रिभेन्ट कर। एक्चुअली से गुड़ा भाइराल हेपाटाइटिस ए बी आउ सी कौन करे एक्चुअली से कौन करते इनिशियल पार्ट में बी रे किसी लोक एक्यूट हेपाटाइटिस हुए किंतु मेजोरिटी ऑफ केस हेपाटाइटिस बी आउ सी क्रोनिक हेपाटाइटिस करती से कौन करती बॉडी रही जाती हेपाटाइटिस बी रे यूजुअली 85% एक्यूट हेपाटाइटिस है ठीक है जाए किंतु रेस्ट 15% केस जो हेपाटाइटिस बी से क्रोनिक हेपाटाइटिस को जाए किंतु हेपाटाइटिस सी रे थरे है मैंने मेजोरिटी केस मेजोरिटी परसेंटेज केस रे से क्रोनिक हेपाटाइटिस को जाए। क्रोनिक हेपाटाइटिस है कौन हम आप 6 मास अधिक बॉडी रे वायरस रहिबो से लिवर को डैमेज करिबो लॉन्ग टर्म ओवर इयर्स डेकेड्स इट विल कॉज लिवर सिरोसिस लिवर कैंसर यहाँ सब समस्या देखादेव आगुरु हेपाटाइटिस सी टा गोटे लीडिंग कॉज ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट थिला लिवर लीडिंग कॉज ऑफ लिवर डिजीज थिला आउ इंडिया आउ आमर जो साउथ एशियन कंट्री हेपाटाइटिस बी गोटे मेजर कॉज ऑफ सिरोसिस। तेणु बर्तमान आम देखा तार ट्रीटमेंट कौन आम जाने डिटेक्ट है मैंने डेफिनेटली डाक्तर सहित परामर्श करके प्रॉपर एंटीवायरल ट्रीटमेंट अच्छी हेपाटाइटिस सी रो तो आजिकल बहुत भल रेजिम आ मेजोरिटी केस 12 सप्ताह ट्रीटमेंट में हेपाटाइटिस सी टा पूरा क्योर हो जाए। आम बर्तमान हेपाटाइटिस सी रो इराडिकेशन विषय में चिंता करूचे मेडिसिन देखिए हेपाटाइटिस बी रो ट्रीटमेंट यूजुअली
ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର ଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ହୁଏନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟରଲି ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ସେମାନେ ଯଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଲେ ପ୍ରପରଲି ତାହେଲେ ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ କିମ୍ବା ଲିଭର କ୍ୟାନ୍ସର ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ହୋଇଯାଏ, ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଡେଫିନେଟଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି ଯଦି ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ମନେକର ଜଣଙ୍କର ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି ହେଇଛି, ତାହେଲେ ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ପ୍ଲସ୍ ନିଜ ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରନ୍ତୁ କି ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବିର ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦିଏ 3 ଡୋଜ୍ରେ। ତେଣୁ ଏବେ ତ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆଜିକାଲି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆହେଉଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହିସାବରେ। ଆଡଲ୍ଟ ମାନେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟେଡ୍ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବିର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଓଭରଅଲ୍ ଜାଣିଲେ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବିଷୟରେ, ତା'ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ, ତା'ର ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ କେମିତି କରିବା। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ସବୁ ଜିନିଷରେ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍ ଦେନ୍ କ୍ୟୁର୍। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏ ଆଉ ଇକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରପର୍ ହାଇଜେନିକ୍ ଫୁଡ୍ ଖାଇବା, ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ଟିକିଏ ମାତ୍ରାରେ ଏଭଏଡ଼୍ କରିବା। ଆମେ ପାଣି ପିଇଲା ବେଳକୁ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ଅଛି ଭଲ ନହେଲେ ଆମେ ଗରମ କରିକି ପାଣି ପିଇବା, ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବା, ପାଣିକୁ ବଏଲ୍ କରିକି ପିଇବା, ତାହେଲେ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏ ଆଉ ଇ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ଅନ୍ହାଇଜେନିକ୍ ଫୁଡ୍ ଖାଇବାନି। ଆଉ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି ଆଉ ସି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହାଇ ରିସ୍କ ସେକ୍ସୁଆଲ ବିହେଭିଅର୍କୁ ଏଭଏଡ଼୍ କରିବା, ବେରିୟର୍ କଣ୍ଟ୍ରାସେପ୍ଟିଭ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା, ମାନେ ନିଡ଼ିଲ୍ ପ୍ରିକ୍ ଇଞ୍ଜୁରିକୁ ଏଭଏଡ଼୍ କରିବା, ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଇନ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର୍ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ସ। ଆଉ ଯଦି ନିଡ଼ିଲ୍ ପ୍ରିକ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଛି ପୋଷ୍ଟ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ପ୍ରୋଫାଇଲେକ୍ସିସ୍ ନେବା। 4 ଜିନିଷ ହେଲା IV ଡ୍ରଗ୍ ଏଭ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ଏଭଏଡ଼୍ କରିବା ଉଚିତ। ଡ୍ରଗ୍ ଏଭ୍ୟୁଜ୍ କଲେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି ସି ହୋଇପାରେ। 5th ଜିନିଷ ହେଲା ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବିର ଆଉ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏର ବହୁତ ଭଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିକି ନେଇପାରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ବିନା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସବୁ ରୋଗର ସଫଳ ଉପଚାର ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରିକସନ୍ ଫର୍ ହେଲ୍ଥ। ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ଫଳରେ ଆପଣ ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ରହିବେ ଅପଡେଟ୍।